जो विचार मेरे आते हैं वो तो आपने देख ही लिया है इस शॉर्ट फिल्म के ज़रिए. एंड ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल, बहुत ही सादगी भरी फिल्म है. और अमृता प्रीतम जो बहुत ही हमारे देश की जानी हुई पोइट्रेस थी, उनके बारे में है, उनके और इमरोज़ के प्यार के बारे में है, जिसको ज़्यादातर अमूमन जो आम इंसान है वो नहीं जानते हैं, बिकॉज इतना उसका उसकी बारे में चर्चा नहीं हुई है. तो यहाँ पर जो हमारे डायरेक्टर हैं सुमित सर, उनको अमृता प्रीतम से बहुत पहले से ही प्यार था ऐसा उनका मानना कहना है. तो ही ऑलवेज वॉन्टेड टू मेक अ फिल्म ऑन अमृता प्रीतम और इमरोज़ के बारे में. तो उनको लगा कि मैं इस किरदार को बहुत अच्छे से निभा पाऊँगी, और इसीलिए हमने शॉर्ट फिल्म बनाने का प्रयास किया है, जो बहुत जगहों पर, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेश में भी काफ़ी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स में जा चुकी है और लोगों को बहुत अच्छा लगा है. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट मुझे ये किरदार जीने का एक मौका मिला. एंड थैंक्स टू द एंटायर टीम, एंड इट्स अ वेरी 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 ब्यूटिफुल एंड अ टची फिल्म. और उसमें पेंटिंग और पोइट्री का जो कॉम्बिनेशन है, द डायरेक्टर्स डन अ ग्रेट जॉब. मिनिमल, ऑलमोस्ट सरियल तरह के सेट्स और उसको यूज़ करके पेंटिंग के बीच में से पोइट्री निकल रही है, पोइट्री के बीच में से पेंटिंग निकल रही है. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ शूटिंग इट. और शॉर्ट फिल्म्स का जहाँ तक सवाल है, आजकल एवरीवन इज़ लुकिंग एट माइक्रो कंटेंट. या तो फिर आप साथ बैठ के सुबह से लेकर रात तक पूरा सीज़न देख लेते हैं किसी शो का, या तो फिर लोग 10 या 15 मिनट की शॉर्ट फिल्में देखना पसंद करते हैं. तो इसकी इसका एक्सपीरियंस मुझे खुद है. हमारी शॉर्ट फिल्म चटनी जो बहुत ही चली, उसको कुछ 88 मिलियन लोगों ने देखा है. तो मुझे शॉर्ट फिल्म्स पे बहुत कॉन्फिडेंस है, एंड आई एम ग्लैड दैट लोग कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग ट्रीटमेंट देख के उन्हें बना रहे हैं. सो आई माई कंग्रेचुलेशंस टू द टीम ऑफ अमृता और मैं, एंड आई होप टू सी मेनी मोर सच शॉर्ट फिल्म्स.